फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हिट द लाइक बटन ऑल्सो। आई होप कि आपकी दिवाली इस बार बहुत अच्छी गई हो, मेरी भी अच्छी गई थी और साथ ही साथ मुझे और खुशी मिल गई क्योंकि मैंने जो जो ऑर्डर किया था वो मेरे को टाइम पर मिल गया है। और तो मैं आज आपको उसी का मिनी शॉपिंग हॉल दिखाने वाली जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से की थी, क्योंकि सेल चल रही थी, डिस्काउंट रेट चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ प्रोडक्ट बाय किया जाए। तो मैंने मेकअप से रिलेटेड कुछ चीज़ें बाय की हैं, तो मैं आई विल डेफिनेटली शो यू और सर साथ ही साथ रिव्यू दूंगी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छे हैं या नहीं है। ये मेरा खुद का इंडिपेंडेंट रिव्यू होगा फ्रेंड्स। मैं किसी को फोर्सफुली ये नहीं बता रही कि ये प्रोडक्ट गंदा है। अगर आपको पसंद है तो यू विल डेफिनेटली ट्राई दिस। अगर मेरे को अच्छा लगा तो आई विल डेफिनेटली रिव्यू अबाउट दिस कि मैं अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मेरे को अच्छा है, तो आई विल डेफिनेटली मैं किसी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। ये मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी होगा कि मैंने मेरे को प्रोडक्ट वो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट बाय किए। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हैं मेरे प्रोडक्ट्स। तो मैंने इसे एक बास्केट में रख रखा है और तो उसकी मैंने आउटर पैकेजिंग फेंक दी थी खोल के। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब डिलीवरी आती है, तो जब फ्लिपकार्ट वाले, अमेज़ॉन वाले ये सब आते हैं तो मैं जल्दी से प्रोडक्ट के पैकेजिंग फेंक देती हूँ और साथ ही साथ जल्दी से प्रोडक्ट निकालती हूँ और एक्साइटेड होती हूँ उन्हें यूज़ करने का। तो मैंने तीन प्रोडक्ट बाय किए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ किया है ब्लू हेवन का एक्स फैक्टर फाउंडेशन। आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो मैंने ये वाला मंगा रखा है ब्लू हेवन का एक्स फैक्टर फाउंडेशन। तो इसका ये है, मेरा शेड है नेचुरल और इसकी प्राइस है 125, कंटेंट 30 ml। आई होप यू कैन जस्ट सी दिस। तो ये है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसलिए सोचा क्योंकि इसमें बोलते हैं कि ऑल इन वन ब्यूटी बेसिक फाउंडेशन, ये बोलते हैं कि ऑयल कंट्रोल है और मेरे को मेरी ऑयली स्किन है, मेरे टी जोन में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट। तो मैंने ब्लू हेवन का एक्सट्रैक्टर फाउंडेशन मंगा लिया। तो मैं सब इसको खोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं अच्छे से सील्ड है। तो उसकी बात ये है कि ये इस तरह के ग्लास बॉटल में आता है, आप देख सकते हैं ग्लास बॉटल में आता है पूरा। और इसके साथ ही इसमें एक पंप भी मिलेगा आपको, यू कैन जस्ट सी दिस। सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि इसमें इन चीज़ों में पंप होता है। ब्लू हेवन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें पंप ज़रूर होता है। मतलब फाउंडेशन से अगर आप देखें तो फाउंडेशन, फ्लोरिना फाउंडेशन हो गया, एक्स फैक्टर हो गया फाउंडेशन, तो इनमें पंप तो ऑलरेडी रहता है। ज़्यादा का अगर आप महंगे प्रोडक्ट्स देखते तो इनमें पंप नहीं रहता, आपको बहुत मैसी हो जाता है फाउंडेशन लगाना। तो मैंने इसको लगाया, अब मैं आपको उसको रिव्यू दिखाती हूँ। तो शो दिस। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना सा प्रोडक्ट ले चुका है और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो या ये देखते हैं कि कैसा है ये फाउंडेशन। नेचुरल शेड है, आई थिंक ये अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा फाउंडेशन को पहले अपनी स्किन पे ऐसे लगा लीजिए। और दूसरी बात यह है कि फाउंडेशन लगाने से पहले या फिर कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगाने से पहले फेस पे अपने हेयर्स को टाई कर लीजिए क्योंकि वो आगे ना आए। तो दूसरी बात ये मैंने बता दी इम्पॉर्टेंट। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि ये अच्छा सा कवरेज दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कवरेज भी नहीं दे रहा है, सही कवरेज दे रहा है। मैंने आप देख सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैंने अपने नेक एरिया पे कुछ नहीं लगाया और फेस में मैंने फाउंडेशन लगाया। तो आप देख सकते हैं उससे पहले मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, सिंपल एक लाइनर लगाया था और एक लिपस्टिक लगाई थी, उससे पहले मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो अब उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाती हूँ अपना, जो कि मैंने ब्लू हेवन कॉम्पैक्ट पाउडर किया था। पहली बात यह है कि मेरे को कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मैंने ऑर्डर किया था लूज पाउडर, ब्लू हेवन का सिलिकॉन फेस पाउडर जो कि लूज पाउडर होता है। लेकिन मुझे उन लोगों ने ब्लू हेवन कॉम्पैक्ट पाउडर दे दिया एंड मेरे को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, क्योंकि ऑफकोर्स फ्रेंड्स मैंने जो ऑर्डर किया था वो मेरे को नहीं मिला और मेरे को कॉम्पैक्ट पाउडर, दूसरी बात ये थी नॉन रिफंडेबल था, ये एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मैं वेस्ट तो मेकअप करूँगी नहीं, तो मैं इसी को अप्लाई करूँगी, देखती हूँ कि कैसा है। इसका प्राइस है 65, ये भी शेड मेरा नेचुरली है और या इसमें और 20 ग्राम्स है इसका प्रोडक्ट का, वो आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने जब देखती हूँ कि कैसा है इसे पैकेजिंग, तो पैकेजिंग वही सेम जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर्स की होती है, उससे पहले ये वाली पैकेजिंग होती है जो कि मेरे को ठीक ही लगती है इतनी खाने। उसके बाद ये है ब्लू हेवन सेंसेशन कॉम्पैक्ट पाउडर है, रेड पूरा मरूनिश वो होता है वैसा दिखा है। और इसमें आपको प्रोडक्ट की जितने आउटर पैकेजिंग में थी इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले लेबल में थी, वो सारे इस लेबल में मिल जाएगी आपको। आपको मतलब अगर आप
उसको नहीं देना चाहते तो इसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आपका शेड नेचर और शेड लिखा होगा, आपका प्राइस लिखा होगा और आपका डेट ऑफ एक्सपायरी और कंटेंट कितना कंटेंट है इसमें। उसके बाद आपका यह है, तो उसके बाद फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई मिरर नहीं है तो आपको अलग से अपना मिरर लेके चलना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें पाउडर प्रूफ मिलता है इस तरह से, देख सकते हैं, जो कि मैंने आज तक मेरे को समझ नहीं आता कैसे होते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात है आई डोंट लाइक दिस। उसके बाद इसमें से फिर से एक थिन फिल्म है जो कि कुछ इस तरह से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसका पिगमेंटेशन कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं, बहुत ही मतलब फाइन पाउडर तो नहीं है, मतलब अच्छा है। स्मेल भी इसकी स्पेसिफिक है कि हाँ थोड़ी बहुत है, तो उसके बाद देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है मैंने लगाया, तो मैं उसे फेस में लगाती हूँ कि कैसा है। तो या देखती हूँ पाउडरी हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये बोलता तो है कि इतना, मैं इसी पाउडर पफ से लगाऊंगी। तो इस तरह है, अब इसको यूज़ करने का यही तरीका है कि इसको इसी तरह से लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लगाऊँ, थोड़ा सा निकालने में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जा रहा है ये। तो मैं अगर आप लेने की सोच रहे हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, तो इसे अच्छा आप 115 की लीजिए, और मेबिन का ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, खास ना नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा है। ये है कि अगर आप नॉर्मल डे पे इसे अफोर्डेबल है, ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, तो आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट बाय इट। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एरिया में दिखाती हूँ। ये है कि इसमें ये बोल रखा है कि कॉम्पैक्ट विथ फाउंडेशन है, तो या आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फेस पे लगाया अपने, तो ये कुछ इस तरह से वाइटिश दे रहा है बिल्कुल भी, देख सकते हैं आप मेरी स्किन में मतलब एकदम अच्छे से लग रहा है, ये ब्लेंड हो रहा है अच्छे से। ये बात नहीं है कि मैं इसकी क्रिटिसाइज करूँगी, बहुत अच्छा दे रहा है प्रोडक्ट। तो आप अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट स्पीक बाय इट, तो टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट है मेरा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट, जो मैं चाहती थी बहुत टाइम से सोची थी, ये था MN के ट्रू लिप्स लाइनर पेंसिल सेट, जो कि है मी नाउ जनरेशन 2। मैंने बहुत लोगों से सुना कि बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि यार अब तो लेना है, डेफिनेटली आई वॉन्ट टू बाई दिस, तो मैंने सोचा ये ले लिया। पहली बात थी कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे थे बहुत जल्दी, तो मैंने इसे ले लिया फटाफट। इसमें ये होता है कि 12 शेड्स है, और ये कहता भी है इसमें, आप यहाँ पैकेजिंग में देखेंगे तो इसमें लिखा है वाटर प्रूफ मल्टी विटामिन इनरिच विद एलोवेरा। देखते हैं कि कैसे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको यूज़ करने में। इसमें एक तो ये है कि 12 पीसेज हैं, और अगर आप मेरी तरह लिपस्टिक फेवरेट नहीं है, अगर आपको लिपस्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप इनको लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। ये हर फंक्शन के लिए, हर इसमें न्यूट कलर डार्क सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको ओपन करती हूँ कि कैसे है ये। तो कुछ इस तरह से इसकी पेंसिल्स हैं, तो या वो दिखा देती हूँ, इतने ज़्यादा कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बस इनकी ये, और लैक्मे में मेरे को ये सेम लग रहा है, उसमें क्रेयॉन्स थे और इसमें पेंसिल है, बस यही फ़र्क है। और प्राइस 185 का था, ये मेरे को कितने पड़ा था, 157 का पड़ा था ये वाला। और इसमें 12 कलर्स हैं, न्यूड्स भी हैं, डार्कनेस भी है, लाइक पिंक वन और रेड वन, ये भी आपको डार्क मिल जाएंगे। न्यूड में आपको आ जाते हैं कलर्स लाइक दिस, शेड नंबर इनमें लिखा भी रहता है शेड नंबर, डेट इज 053, जो कि बहुत ज़्यादा रहता है। अब मैं आपको इसका स्वाचेस दिखा दूँ जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने अपने लिप्स में भी ये वाला शेड लगा लिया है, जो कि रेड कलर का शेड है, और ये वाला शेड नंबर है 058, आप देख सकते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम मेट है, ट्रांसफरेबल बिल्कुल नहीं है, तो आप इसे लगा सकते हैं। बस आपको लगाने से पहले इसे अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आपके लिप्स एकदम ड्राई लगेंगे। तो आप इसे लगाने से पहले मॉइस्चराइज जरूर कीजिए। उसके बाद मैंने कुछ स्वॉचेस भी करके, आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर्स हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। अभी तो मैंने सिर्फ किया 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 स्वॉचेस कर रखे हैं, 6 और बाकी हैं, जिन पर मेरे को स्पेशली ये वाले न्यूट कलर्स जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, ये तीनों जो ये 3 कलर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, डेट इज़ 054, 050 एंड 051, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब आई जस्ट लव दिस। तो आप इन्हें ज़रूर बाय कीजिएगा, और इसके साथ आपको 12 कलर्स मिल रहे तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए।
मीन्स आप 12 कैरेट से मतलब अगर आप हर पार्टी का सोचें तो आप इसे हर तरह से लगा सकते हैं, कैसे भी करके लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको अलग अलग लिपस्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है, डार्क अंडर टो, डार्क मीडियम न्यूड्स कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाले लिपस्टिक ले लीजिए और आपका सारा काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स या आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर अगर आपको शिकायत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आपको अगली बार एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, वन ब्रांड मेकअप ओनली होगा वो। अगर आप चाहते हैं कि मैं वन ब्रांड मेकअप करूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई विल डेफिनेटली डू दिस। और या प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, और हिट द लाइक बटन ऑल्सो। टिल देन बाय बाय।